सो गाइस, एमबी बुक का सोल्यूशन चल रहा है आपका यहाँ पे 2010 से। मेंस के सेट करा रहा हूँ मैं फ़िलहाल आपको, यहाँ लापरवाही से काम नहीं चलेगा। आप भले ही कर दें लेकिन मैं नहीं कर सकता गाइस। एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है, 16 नवंबर, ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे आपको तैयारी करनी होगी। हालांकि एसएससी ने अपना दूसरी भी डेट निकाल दी है कि वैकेंसी आनी है, कब उसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर कम्प्लीट तैयारी के साथ में आप लोग चलते रहें, लापरवाही ना करें, वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो ही मिलेगी सफलता। अन्यथा सारी के किराए पर पानी फिरने वाला है और कुछ नहीं होगा। सेट नंबर 3 है गाइस 2010 से। हालांकि ये सेट नंबर 3 मैंने अपने नाम से दिया है, अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग इसको सीक्वेंस से पढ़ाते आ रहे हैं। जो मेंस के सेट है वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी सेट पेड ग्रुप में जाते हैं इसके सिर्फ। यस गाइस, तो यहाँ पे सेट नंबर 3, वैसे सेट नंबर 33 है ये आपका सीजल का, टीयर 2 का। कह रहा है कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, एंटर्ड तो सेंटेंस अभी तक तो ठीक है। वैसे भी व्हेन आपका पास की दो घटनाओं को ही जोड़ना काम करता है। आई सॉ बिल्कुल ठीक है, ऑन द ग्राउंड ये भी ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही सेंटेंस आपका हो गया है नो एरर। देखिए, नो एरर सेंटेंस को थोड़ा ध्यान देखा करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन्हें फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है गाइस, मुझे पता है। यस, चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। ही वॉज डिबेयर्ड टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। सो गाइस, अगर आपको अभी थोड़े दिन पहले याद होगा, मैंने सबसे पहले जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का लेक्चर कराया था, उसमें सबसे पहले प्रेपोजिशन यही थी जिनके साथ में फ्रॉम बताया था। डिबेयर के साथ में हमने आपको बताया था कि हमेशा फ्रॉम चलता है फिक्स प्रेपोजिशन, तो आपको यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाना था। इसके बी पार्ट में टू अपीयर की जगह फ्रॉम अपीयरिंग होगा, ही वॉज डिबेयर्ड फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। इसका बी पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। सो गाइस, अलग अलग बुक में इसको लेकर के अलग अलग मत दिए गए हैं। किसी बुक में जब सेंटेंस इस तरह से आता है, इट इज़ आई हु के हिसाब से यहाँ पे इजी लगाया कईयों में। यस, कईयों में कहता है कि एम आना चाहिए। सो गाइस, मेरा भी मानना यही है कि एम ही आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बुक में अलग अलग मतों के साथ देखा। लेकिन आप गाइस एम ही लगाएंगे, ये ध्यान रखें। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, नॉट हु इज टू ब्लेम। श्याम इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। श्याम कह रहा है कि मैंने उसका पेन चुराया है। सो गाइस, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, इज टेलिंग नहीं, आपको कहना होगा टेल्स। सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, श्याम टेल्स दैट। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, क्योंकि टेल की आईएनजी फॉर्म आपकी नहीं होती है। यस, चलिए जी। कह रहे कि द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन। सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 5 है। यस, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन व्हेन इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। सो द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन, सेंटेंस चल रहा है पास में, वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म लगा कर सेंटेंस को पार्ट बनाया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में स्लीव जो उसने लगाया, ये आपका रोंग है। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है गाइस इसकी स्ले, जान से मारना, इसके सेकंड फॉर्म में स्लीव और थर्ड फॉर्म में इसकी स्लेन। इस गाइस SLAIN, तो उसके वहाँ पे स्लेन करना था, नॉट स्लीव्ड, क्योंकि स्लीव अपना आप भी सेकंड फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म का भी सेकंड फॉर्म बना रहा है जो कि रॉन्ग है। स्लेन इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लो इट्स बैंक। तो द रिवर इज इन स्पेट, द रिवर इज इन स्पेट एंड इज ओवरफ्लो। सो गाइस, ओवरफ्लो जो है आपकी, यानी कि फ्लो जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इज एम आर के साथ में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, वैसे भी यहाँ पे आपका हैज आया हुआ है, हैज के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म चलती है, तो ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लोन होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। इट इज़ अ ट्रूथ दैट दोज हु आर ज्वेल्स ऑफ अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ। यानी कि सच है कि जो लोग दूसरों से जलते हैं, ज़िंदगी में कभी पीस नहीं ले सकते हैं। इट इज़ अ ट्रूथ दैट, अब तो ठीक है, दोज हु आर ज्वेल्स ऑफ अदर्स, इतना भी ठीक है, नेवर गेट अ पीस इन लाइफ,
ये सेंटेंस पूरा करेक्ट ही है, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नो एरर। आई वॉज हैविंग अ हॉलीडे बाई सी साइड लास्ट समर वैन आई रेन इन टू कैप्टन रॉबिन्सन। तो गाइज यहाँ पे 8 सेंटेंस भी है आपका करेक्ट, इसमें भी रहेगी आपके नो एरर। सेंटेंस नंबर 9, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डेंजर्ड कार अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट। सो गाइज यहाँ पे पहली बात तो ये कि टैलेंट की जगह आपका स्किल आना है। क्या आना है? स्किल, स्किल नहीं स्किल, सॉरी। द ड्राइवर शोड अ ग्रेट स्किल, ओके। और उसके बाद में इन कीपिंग की जगह आपको आना है फॉर कीपिंग, फॉर कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। डैमेज कार को अंडर कंट्रोल उसने बनाए रखा, उसके लिए उसका स्किल। सो गाइस यहाँ पे एक इस पार्ट में दो एरर आपको दी गई हैं बी पार्ट में, हालांकि आपको एरर बी पार्ट में ही लगा कर करानी है। द ही डिस्क्राइब अबाउट, गाइस डिस्क्राइब के साथ में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नो प्रपोजिशन। तो यहाँ पे अबाउट आएगा ही नहीं, इसके ए पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़िए गाइस, क्या कह रहा है आगे? कह रहा है कि द GM ऑफ द कंपनी डिस्पेंस द मैनेजर्स सर्विस। द GM ऑफ द कंपनी, सेंटेंस नंबर 11, द GM ऑफ द कंपनी डिस्पेंस द सर्विस। सो गाइस डिस्पेंस के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल किया करते हैं, किसका इस्तेमाल किया करते हैं? विद का, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस्ड विद। तो यहाँ पे आपका विद आना था, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वैन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक, नहीं टुक, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे उसने कहा शुरू में वर्ब, इसका वाला सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, वैसे भी वैन आया है, वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है, तो यहाँ पर टेक की जगह टुक का इस्तेमाल करना था, इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहा है कि इंजन्स यूज इन स्पेस, सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि इंजन्स यूज इन स्पेस शटल आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन द वन यूज इन जेट प्लेन्स। उसने कहा इंजन्स, इंजन्स यानी कि बहुत सारे, यानी कि पुल की बात हो रही है। फिर उसने लगा यूज्ड सेकंड फॉर्म, जो कि ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंजन यूज्ड इन स्पेस शटल्स, इसके कट कर देंगे क्योंकि ये प्रिपोजिशन के बाद वाला पार्ट है। अब ये आर इसके हिसाब से है, जो कि ठीक है। आर मच लार्जर, ठीक है, एंड मोर स्ट्रॉन्ग। गाइस यहाँ पे उसने जो इस्तेमाल किया मोर स्ट्रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है। देखिए जब तक किसी वर्ड का खुद कंपैरेटिव बन सकता हो, हम उससे पहले मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम हालात सुपरलेटिव के हैं, आप उससे पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें स्ट्रोंगर करना था तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस के आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। यस गाइस आगे बढ़ेगा, कह रहा है कि वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिंस टू राइज। सेंटेंस नंबर 14 में कह रहा है कि वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे चलते चलते द रोड बिगिंस टू राइज। गाइस मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस इस तरह से आपका जिरंड से पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू हो, तो दोनों काम को करने वाला अगर एक ही व्यक्ति हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही बार आया करता है, लेकिन अगर दोनों काम को करने वाला सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको दो ही सब्जेक्टों का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द रोड, जबकि पहले सेंटेंस में वॉकिंग रोड नहीं, कोई व्यक्ति कर रहा होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस में शुरुआत में ही गलती हो जाएगी। पहले पार्ट में हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना था। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन, सो गाइस यहाँ पे अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, इसको हम लोग कट करेंगे क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद है। और राइज के हिसाब से हैव नहीं, हैज होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस, क्योंकि और राइज यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में पहले पार्ट, सॉरी दूसरे पार्ट में हो गई आपके एरर बी पार्ट में। आगे बढ़ेगा, क्या कह रहा है?
रिमेंबर दैट अ स्टिच एट अ टाइम सेव्स नाइन। गाइस एक कहावत है, अ स्टिच एट अ टाइम नहीं, अ स्टिच इन अ टाइम या फिर अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि सेंटेंस में आपको शुरू में दी गई है एरर। यस, तो इसका शुरू में कर रहा हूँ, सॉरी बी पार्ट में हो जाएगी इसके एरर। कह रहा है कि इफ आई गोट रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये सेंटेंस कंडीशनल पे है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि है जो जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे सब कुछ है गाइस इस सेंटेंस में। फिलहाल अगर बात करूँ एरर, तो एरर की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये सेंटेंस वो आपका नो एरर। नेक्स्ट कह रहा है कि आई शैल अवेल ऑफ, तो यहाँ पे अवेल ऑफ ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको बताया गया था कि अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन हो तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल करना होता है। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ, यानी कि सेंटेंस में आपका अवेल के साथ में माई सेल्फ आना अनिवार्य था। तो 18 सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गई आपके एरर। कह रहा है कि टी ग्रोज बोथ इन असम एंड इन साइक्लोन, सेंटेंस एंड से कनेक्ट हुआ है, एंड से पहले असम और असम से पहले इन आया है, एंड के बाद साइलोन से पहले भी आपका इन आएगा। यस, या फिर कुछ और, लेकिन प्रपोजल आएगी जरूर। तो इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में हो गई है एरर। यस गाइस, आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट लास्ट है इसका 20 में से। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, बिगेस्ट नहीं बिगर। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप तब तक नहीं करते जब तक बात दो से ज़्यादा की ना हो जाए। यहाँ पे बात दो की हो रही है, दो लोगों के लिए हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया करते हैं, नॉट सुपरलेटिव। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट ही आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो गाइस यहाँ पे 21 से 25 देखिएगा क्या कह रहा है। हमें यहाँ पे फिल करने हैं प्रॉपर वर्ड। डैश यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे, कि आप मुझे संडे वाले दिन जल्दी उठा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे कुड यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे, उठा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सकते हैं के लिए कुड तो आप नहीं लगा सकते कम से कम। मस्ट का मतलब हो जाएगा चाहिए, नतीजता के अर्थ में ये भी नहीं आएगा। विल मतलब गागी गे, विल यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे, तो गाइस यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, डेयर यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझे संडे वाले दिन जल्दी उठाने की। यानी कि सेंटेंस में आपका पहला आंसर सॉरी बी आंसर इसका हो जाएगा कंफर्म। 22 देखिएगा, कह रहा है कि अब फॉरन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में कॉल फॉर 3 और मोर आवर्स पर क्लास एटलीस्ट अंटिल यू हैव मास्टर्ड द डैश। सो गाइस यहाँ पे एक समस्या सामने आ रही है आपके, जो मेन चीज है उसने आपको दिया टॉपिक, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और फंडामेंटल 22 सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाऊं बी, देखो टॉपिक तो कम से कम नहीं आएगा, अगर हम लगाएं बी सब्जेक्ट तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, अगर मैं लगाता हूँ सी तो ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए ठीक है। तो यानी कि ये कन्फर्म है कि बी और सी में से आप कोई भी एक नहीं लगा सकते। अब आपकी मजबूरी है कि आपको डी लगाना होगा, बिकॉज ए इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। डैश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मिसिज मीनाक्षी, द मिसिज मीनाक्षी, सम मिसिज मीनाक्षी, एनी मिसिज मीनाक्षी। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। यस, कह रहा है कि मीनाक्षी के बारे में कोई सूचना तो यहाँ है नहीं कि मीनाक्षी कौन है, तो आप यहाँ पे मिसिज मीनाक्षी तो नहीं लगा सकते। दा लगाने से ये कन्फर्म हो जाएगा कौन सी मीनाक्षी। यस, अगर आप एनी लगाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए था, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए डी बाहर। तो आपका आंसर मजबूरन आपको लगाना होगा सी। वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक। सो गाइस यहाँ पे 24 सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है, क्रूक धोखेबाज की बात हो रही है आगे। तो यहाँ पे टेकन के साथ भी कोई ऐसी प्रपोजिशन लगानी होगी जो धोखे संबंधित हो, तो टेक इन होता है गाइस। सो वी वर कंप्लीटली टेक इन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द जियोसेंट्रिक आइडिया वॉज अबैंडन इन द 17th सेंचुरी पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ कोपरनिकस डैश ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर एस्ट्रोनॉमर्स।
नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ यहाँ पे होना चाहिए था। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलिए 26 से 35 तक है आपका वोकैबुलरी पोर्शन। मैं आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड इनके मीनिंग बताता चला जाऊँगा, ऑप्शंस के भी मीनिंग बताऊँगा आपको, इनके ऑप्शंस के और वर्ड के मीनिंग को देखते हुए सही आंसर बताना होगा। पहला वर्ड आपका अनअर्ड, यस मीनिंग देखिएगा, साथ ही साथ इनके आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा गाइज। शुरू में आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड, क्या बताना है अपोजिट वर्ड। तो यस पहला वर्ड है आपका अनवर्ड, यानी कि जो कॉन्फिडेंट ना हो, घबराया हुआ, पहला इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट। नर्वस घबराया हुआ सिनोनिम्स हो जाएगा होपफुल, एनेक्सिस मतलब चिंतित, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है एस्टिज्म, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस, बहुत सुंदर। यहाँ ये वर्ड आपका लगता है कहते हैं ना मतलब सन्यासी वगैरह के लिए, जिसने पूरी अपना सुख सुविधा त्याग दी हो, सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान अब अध्यात्म की तरफ ही हो, तो यानी कि कंफर्ट आनंद, लग्जरी मतलब आनंद, एंटीसेंटिज्म सेमेटिज्म और ह्यूमिलिटी, तो गाइस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्या हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट। अगला वर्ड है प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ता हुआ, यस प्रोग्रेसिव। रिप्रेसिव 28 जी नहीं, रेस्ट्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव पतनशील, रिप्रेसिव तो नहीं होगा क्योंकि रिप्रेसिव कौन होता है अत्याचारी। अगला है रिपल्सिव घृणात्मक, और अग्रेसिव मतलब हिंसक या उग्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेट्रोग्रेसिव पतनशील। अगला वर्ड है आपका एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला, फ्लीटिंग क्षणिक थोड़े समय के लिए, पेनफुल दर्द भरा, परमानेंट तो नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लीटिंग ही करेक्ट। यस गाइस अगला वर्ड है आपका डिसोल्यूशन, समाप्ति करना किसी चीज़ को, खत्म करना किसी चीज़ का, तो गाइस यहाँ पे हमें बताना है इसका एंटोनियम, देखते हैं। पहला वर्ड है रिट्रीब्यूशन, सजा सजाना किसी को। अगला वर्ड है एस्टेब्लिशमेंट बनाना, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। परसुएशन और कॉम्प्लियांस, परसुएशन बोलते हैं मनाने को, किसी को राजी करना, यस कॉम्प्लियांस मतलब पालन करना नियमों का, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगले हैं आपका 31 से 35 तक, जहाँ आपको बताने हैं गाइस इसके सिनोनियम्स, क्या बताने हैं सिनोनियम्स। तो चलो चलते हैं इनके वर्ड पे और फिर आप बताइएगा इनका आंसर। पहला वर्ड आपका एक्सेंटुएट, तीव्र या किसी को और तेज कर देना, एग्जिबिट, डिवल्ज, ये तो इसके आंसर होने से रहे। नेक्स्ट आपका मिटिगेट, कम कर देना, जी नहीं। उससे अगला वर्ड है शार्पन, नोकिला कर देना, यस इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला वर्ड लाउसी, बहुत बुरा, अनबियरेबल अनप्लीजेंट अवफुल स्टिंकिंग, सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट यानी कि बी करेक्ट। अवफुल हो जाएगा विस्मिंकिंग और अन स्टिंकिंग हो जाएगा सड़ा हुआ। अगला है प्रीडोमिनेंटली, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा भाग उसका हो किसी चीज़ का, एम्फैटिकली जोरदार देना, इस बात पर फोर्सफुली भी जोड़ देना, मोस्टली अधिकतर भाग, यानी किसका आंसर सी ही हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड आपका प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब कुछ होने को या करने को संभावित होना, पोटेंशियल मतलब क्षमता, सिनोनिम इसका यही है। प्रोस्पीरियस समृद्धि, परप्लेक्स्ड कन्फ्यूज होना, पॉसिबल भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। अगला आपका इन्फ्यूजेट, गुस्सा दिलाना किसी को, बर्न डिसएग्री थ्रेटन या एनरेज, इसका आंसर हो जाएगा आपका एनरेज। आप अगले गए थे 40 तक, यहाँ हमें बताना है कि सही स्पेल यहाँ पे कौन सी है। एक वर्ड यहाँ पे कोई सही स्पेल किया गया है, बाकी सब यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा अपनी स्पेल लिखिएगा और मैच करते चले जाइएगा इसकी स्पेल से। पहला वर्ड आपका कंटेम्परेनियस, यानी कि मैच करिएगा अपनी स्पेलिंग को उसकी स्पेलिंग से और तो ही जाके आप फैसला कुछ कर पाएंगे। तो पहले वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे CONTEMPTUOUS, तो गाइस मुझे तो पहले ही सही लग रही है यहाँ पे, इसका आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा 36 का, इसका होता है घृणा से भरा हुआ। उसके बाद में अगला है स्पॉन्सेंशियस, यानी कि SPONTANEOUS, इसका रॉन्ग हो गया है। एरोनस, तो ERRONEOUS गलत,
गॉर्जियस भी आपका गलत ही है, यानी कि जब पहला सही है तो उसका मतलब सारे गलत ही होंगे बाकी के। अगला वर्ड है लाइम हाउस, सॉरी लिमोजिन, प्रेजिगम, हिस्ट्रिया और हाइपोक्रेसी। तो गाइस यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड होगा करेक्ट। 37 का पहला जो वर्ड है तो ये आपका लिमोजिन एक कार आती है गाइस, LIMOUSINE, यानी कि रोंग है। अगला वर्ड है गाइस आपका पार्डिंग, यानी कि PARADIGM, बिल्कुल ठीक है पैटर्न वगैरह। हिस्टीरिया दोरा, ये गलत हो गया, इसका मतलब बस अब सारे गलत है, बी सही है। एटिकेट ETIQUETTE, 38 का आंसर ए तो होने से रहा। अगला वर्ड आपका ब्रंश, BRUNETTE, एक ऐसे हो रहा है जिसके बाल भूरे भूरे हों और गाल गोरे गोरे, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, बाकी सब गलत ही होंगे। अगला है 39 पेरिनियल, तो PERENNIAL, जो कभी समाप्त ना हो, पहला ही सही है, बाकी सब गलत ही होंगे। अगला देखिएगा 40 हैजडस, पहला गलत है यहाँ पे, हैजडस होता है HAZARDOUS, खतरे से भरा हुआ। उससे अगला वर्ड है परसीव, PERCEI, ये भी गलत है गाइस आपका। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट 40 का। सो गाइस यहाँ पे एक पार्ट आपका यहाँ फिनिश होता है सेट का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।